गैलरी के अद्भुत और अच्छे अच्छे बच्चे भी मिल गए। बच्चे लोग हेलो हेलो, जय श्री राम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आपको एक ऐसे लोकेशन पे ले चल रहे हैं जो है केलहारी, जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। ये बॉर्डर है, ये बिजरी का मुख्य मार्ग है दोस्तों, नगर पालिका बिजरी में अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ से वो सीधा आपको जाना है उस भव्य केलहारी रोड में, जहाँ सुंदर मार्केट हमारे बिजरी का। वो सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को, बहुत सुंदर मंदिर है ये, प्रसिद्ध मंदिर है बिजरी का। जय बाबा। का सीजन आने वाला है दोस्तों, ये कितना प्यारा है, आम का वृक्ष है आप देख सकते हैं, इसमें बौर भी लग गया है। रास्ते में और भी मनमोहक दृश्य जो अच्छे लगेंगे मैं आपको बिल्कुल उससे अवगत कराता रहूँगा दोस्तों, तो बने रहे हमारे चैनल पर। फाइनली गाइस हम लोग लोकेशन तक पहुँच गए हैं। हनुमान जी है ये हमारे, हनुमान जी स्वामी। यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, और हमको जाना उस नदी तक, तो बने रहे हैं हमारे साथ दोस्तों चैनल पे। फाइनली गाइस हम लोग आ गए अपने लोकेशन पे, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये पिकनिक स्पॉट है दोस्तों केलहारी का। बहुत सुंदर हवा भी चल रही है यहाँ पे, यहाँ फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। केलहारी के अद्भुत और अच्छे अच्छे बच्चे भी मिल गए। बच्चे लोग हेलो हेलो, जय श्री राम। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जिसके बारे में आप लोग को बताना चाह रहा था। पानी देखिए गाइस, कितना साफ पानी है यहाँ का, बहुत ही स्वच्छ पानी है। इस नदी के बारे में और जानते हैं कि वही नदी है दोस्तों, बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट है ये केवई नदी। यहाँ का पानी भी बहुत ही स्वच्छ है, क्या अद्भुत नज़ारे हैं दोस्तों। अगर आपको ये नज़ारा अच्छा लगा होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसकी खूबसूरती और लोगों को तक पहुँचे। और इस नदी के बारे में और जानते हैं हमारे मित्र दीपक से। दीपक, थोड़ा इस नदी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं वो केवाई नदी है जी। ये है केलहारी की जीवन रेखा जी। ये नदी जो है हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है और एक बहुत फेवरेट पिकनिक स्पॉट रहा है लोगों के लिए जी। अगर आपको पिकनिक मनाने की जिससे कोई आवश्यकता हो जी, तो आप इस जगह आइए, पिकनिक मनाइए और इस जगह का आनंद लीजिए। बहुत स्वच्छ पानी है, लोग कहते हैं कि इसके पानी में दैवी गुणों का प्रभाव है और बहुत सारे रोगों में इसका पानी मतलब लाभ हमें प्रदान करता है। किस तरह के लोग रोगों में इसका पानी जो है हमें लाभ दे सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जिन लोगों को थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम होती है जी जी, स्किन ब्राइटनेस करना चाहें तो इसके पानी का उपयोग करें। और इनका कथन भी बहुत सही है दोस्तों, ये मैंने भी बहुत लोगों से सुना। और यहाँ का पानी जो है बहुत ही साफ है और फैमिली के लिए भी आप आ सकते हैं। फैमिली के साथ ज़्यादा यहाँ पे गहरा भी नहीं है, गहराई भी नहीं है नदी की, तो आराम से आप इस सुंदर से दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये पुल के जस्ट नीचे पे ये केलहारी कनेक्ट करता है, ये वाला पुल जस्ट उसके नीचे पे ये सुंदर सी नदी बहती है। ये वही नदी नाम है इस नदी का। बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, यहाँ एक बार जरूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए दोस्तों कितना मस्त यहाँ पे आप लोग को स्पेस मिल जाता है रेत के टिल्लू के ऊपर। पिकनिक बनाते समय आप इंजॉय कर सकते हैं इस पे। बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये, पिकनिक के लिए एक नंबर स्पॉट है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ का भव्य नज़ारा, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये स्पॉट पसंद आया होगा। यहाँ की एक झलकी और ले लीजिए। और हमारे मित्र दीपक से जानते हैं उनको कैसा लगा यहाँ आके। दीपक थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। ये जो पिकनिक स्पॉट है वाकई में बहुत ही अद्भुत है। अच्छा, और हम सभी को यहाँ आना चाहिए और इस खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहिए। सभी आए यहाँ पिकनिक मनाएं और अच्छे से इंजॉय करें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।